मैं। ये फाइनली दो मंदिरों का वीडियो बनाने के बाद मैं हरीश जी ना, हाँ, हरीश हरीश जी के साथ में थोड़ा सा मैं जंगल के इंटीरियर में जा रहा हूँ। तो खंडर की जो बात मैं कर रहा था इस एरिया के पोलों की, देखो खंडर, ये खंडर जमीन लेवल हो चुके हैं जो आपको दिख रहे होंगे, है ना। ईंटें ईंटें हैं, ईंटें लगी हुई, देखिए ये खंडर ही हैं, ये सारे देख रहे हैं आपको, ये भी दीवारें रही होंगी, है ना। ये जो ढेर दिख रहे हैं आपको सारे खंडरों के ढेर हैं, वो सामने भी दिख रहा है। तो ये कितने इसी कितने साल पुराना इतिहास है पता नहीं यार। अब हरीश जी कहीं लोकेशन दिखाने के लिए ले जा रहे हैं मेरे को, तो देखते हैं आगे चल के क्या लोकेशन देती है। हरीश जी चल रहे हैं आगे आगे, मैं चल रहा हूँ पीछे पीछे। ये खड्डा कैसा है भाई? हरीश जी ये खड्डा सर जेसीबी से किया है। अच्छा 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 जो पानी भरा रहता है तो हाँ हाँ उस प्राणी के लिए काम आ जाता है। ये तो यार इतिहास, ये भी जगह, ये भी कोई दीवार का पोर्शन है बना हुआ पुराना, है ना। ये ईंटे तो ये भी खंडहर का ही हिस्सा है। ये तो ऐतिहासिक भाई। जमीन लेवल हो गया सब कुछ। ये रहा जी हनुमान जी की मूर्ति थी ना, हाँ बरसों पुरानी। अच्छा अच्छा इनको खड़ी की है मिट्टी के लिए थी। अभी हरीश जी कह रहे हैं ये भी ऐतिहासिक खड़ी की है तो लोक सेवा पे ऐतिहासिक मूर्ति है हनुमान जी की। ये खंडहर है यहाँ के, इन खंडहरों में दबी हुई थी, उसको वापस निकाल के मूर्ति का प्रतिष्ठान वापस किया गया है। यहाँ पे कोई ये सब दीवारें ही हैं। देखते हैं अभी दीवारों को। और यहाँ पे पहले कुआं भी था। अच्छा अच्छा पहले कोई कुआं किधर था? लाइट बिजली नहीं थी पर यहाँ पे जो कुआं भी है। हाँ हाँ ओहो वाओ क्या बात है यार, थोड़ा नहीं होगी भैया है तो ऐतिहासिक। अब ये बावड़ी है, ये उदाहरण है, कुआ बोलते हैं। हाँ ये कुआ है, कुआ है और अंदर वास्तुकला के पत्थर लगे हुए हैं। बावड़ी पूरी, ये कुआ पूरा इनसाइड से पूरा पत्थरों से चुनाई की हुई है इसकी नीचे तक। तो है तो ऐतिहासिक, ये भी खंडर बन चुका है, जमीन के लेवल हो चुका है और ये सारे खंडर है पास में, ये सब जगह है ना, ये ईंटों की दीवारें पत्थर खंडर सारे, ये साबित करते हैं कि ये ऐतिहासिक स्थल है। उदाहरण सबूत इसका ये कुआ है बावड़ी है। और भाई कितना पुराना होगा रे ये। ये खंडहर भाई, ये सबूत है यहाँ कभी आबादी रही होगी, है ना, उस दौर में। वाह वाह भाई वाह, जितने भी ढेर दिख रहे हैं आपको ये सारे मकानों के अवशेष हैं, ढेरी के रूप में हो चुके हैं। अरे यहाँ भी कोई दीवार है भाई, है वाह, अरे यहाँ भी कोई दीवार है। ये कैसी दीवार है यार, ये खंडर है ना, अवशेष हैं, है भाई पुरानी आबादी है यार, शीर्ण जीर्ण शीर्ण हो गई है। ओहो हो देखिए ये दीवार है, यहाँ भी कुछ बना हुआ होगा, ये वास्तु वास्तु कला की हुई इस पत्थर पे भी ये खंडर है। वाओ यार सही जगह आया मैं तो। सबूत है आपके सामने, यहाँ कभी आबादी रही होगी, वेरी गुड, क्या बात है। ये दीवार है, आहा इधर भी खंडर है भाई, क्या बात है यार, क्या शानदार जगह पे लाए हरीश जी, मजा आ गया भाई। आहा भाई संरक्षण जरूरी है ऐतिहासिक स्थल का, क्या बात है। अरे कुछ नहीं,
तो जमीन के लेवल जो खंडहर हो चुके हैं उनको तो संभाले है, पुरातत्व इतिहास तो गवाह है कि यहाँ कभी आबादी रही होगी, है ना। चलो ये दीवारें चल रही हैं आबादी की, आबादी रही होगी तभी ये दीवारें। क्या बात है खंडहर भैया, चारों तरफ बिखरे हुए। आह क्या बात है खंडहर है, उससे ऐसे भाई बड़ी लंबी चौड़ी आबादी बसी हुई होगी है ये खंडहर। आह ये खंडहर भैया, ये खंडहर हो गया उससे, अरे गिर जाऊंगा मैं नीचे, हो गया झुक के जाना पड़ रहा है, पूरा जंगल में तब्दील हो गया है पूरी आबादी। हाँ भाई आबादी होगी निश्चित तभी ये खंडहर है, देख रहे हो चारों तरफ। देखो भैया मेहनत कर रहा हूँ, प्लीज़ यार लाइक तो बनता है ना। देखो इतिहास दिखा रहा हूँ मैं आपको, देखो ज़रूरी नहीं है कि आपको गगनचुंबी बिल्डिंगें दिखाई जाएं, पुराना इतिहास भी कुछ बोलता है जो ज़मीन के साथ चिपक चुका है। वाओ क्या बात है, मुझे झुक कर चलना पड़ रहा है इस जंगल में। आह खंडहर क्या बात है, पूरा खंडहरों में तब्दील हो चुका है ये इलाका। आह हरी जी यार शानदार जगह दिखाई तुमने, हैं मजा आ गया यार। अरे अच्छा अच्छा खंडहर, हाँ पूरी आबादी है यार, लोकेशन पूरी आबादी की है, तो पुराने खंडहर जीर्णोद्धार इसका नहीं हो सकता, मंदिर का तो कर सकते हैं यार, आबादी होगी। हाँ क्या बात है भाई, ये तो पूरा आबादी क्षेत्र है यार, हजारों साल पुराना, तभी ये जमी के लेवल से हो गया है ना। और थोड़ा इधर बरसात का टाइम है, जानवर भी हो सकते हैं भाई, ऐतिहासिक ऐतिहासिक क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है रे। उम्मीद नहीं थी मुझे इस जंगल में इतने तक ही है। चलो इसको वीडियो बना लेते हैं इसका। हरि जी कह रहे हैं आप यहीं तक थी, होगी आगे भी और गरीब लोग होंगे, वो झोंपड़ों में रहते होंगे, वो झोंपड़े हो गए नष्ट, जो थोड़े उन्नत होंगे उनकी ईंटों की दीवारों वाले मकान होंगे उनके खंडहर हैं, गरीब लोग होंगे बेचारे मजदूर लोग होंगे उस वक्त, वो झोंपड़ों में रहते होंगे उस वक्त, वो झोंपड़े तो नष्ट हो गए, मतलब आबादी थी कुल मिला के खंडहर हैं। वाह ये है पौरों के खंडहर। तो यार मुझे राजा की कोई सबूत यहाँ मिले नहीं, राजा था तो कहाँ रहता होगा, राजा तो होगा है ना। चलो ये खंडहर भाई क्या बात है भाई, ये हजारों साल का इतिहास बोल रहा है इन खंडहरों में। ओह लाइक कीजिए प्लीज और शेयर कीजिए इस पोलो के इतिहास को, पेड़ों के साथ समाहित हो गई पूरी दीवार। आह क्या बात है, क्या बात है भाई। खंडहर भैया इसमें उपयोग क्या लिया गया यार, उपयोग तो चूने की तरह ही कोई चीजें ली गई हैं, लेकिन होगा ये क्या है, ये कोई चूने के टाइप है। चलो खंडहर ये गवाह है भाई, चलो धन्यवाद हरि जी का, हरि जी बहुत बहुत धन्यवाद ये दिखाने के लिए। बाकी हम तो आते थे, हम तो आते थे पहले भी चार पांच बार आ चुका, लेकिन इस चीज का मुझे पता नहीं था। और थोड़ा क्या है कि अकेले जंगल में घुसने से भी डर लगता है, क्योंकि इधर भालू वालू होते हैं, हाँ जानवर ज़्यादा है। चलो तुम्हारा साथ मिल गया, मेरा वीडियो मिल गया, हाँ तो सुबह आश्रम में भी हूँ। हाँ हाँ हरी जी तुम्हारा नंबर दे देना मेरे को, नंबर तो सर मेरे पास तो
काट दे देना मेरे को, मैं जब भी दोबारा आऊंगा ना तो तुमको लेके चलूंगा उधर, है ना। तो और जो भी है यहाँ पे दो चार जगह और भी बता रहे हैं, तो वहाँ के वीडियो बनाएंगे अपन। आऊँगा जरूर मैं दोबारा इसको शूट करने के लिए, पूरा इतिहास शूट करूँगा मैं इस पोलो का। तो दोस्तों प्लीज़, पसीना आ गया मुझे, है ना। लाइक कीजिए यार और शेयर कीजिए, इतना पुराना इतिहास आपको शायद कहीं देखने को मिलेगा यार, है ना। तो दोस्तों हरीश जी भी जो पीछे आ रहे हैं, इनका धन्यवाद बोलिए, है ना। इनको धन्यवाद बोलिए, इन्होंने हमको यहाँ का पोलो का इतिहास दिखाया और मेरी मेहनत। तो प्लीज़ लाइक तो बनता है यार, है ना। लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। तो बाय बाय, टाटा।